छत्तीसगढ़ में बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से अतिक्रमण और चकना सेंटर पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब इन दोनों के बाद में नंबर आया है ओयो रूम्स का। ताजा मामला वैशाली नगर विधानसभा के कोका के ओयो होटल का है जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब विधायक रिकेश सेन नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ छापेमारी कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। लंबे समय से यहां के लोग इस रिहायशी कॉलोनी में एक ही स्ट्रीट में एक साथ पांच ओयो होटल अवैध कार्रवाई की लगातार शिकायत कर रहे थे लेकिन पिछली सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको देखते हुए विधायक सेन सीधे सीधे होटल को सील करने के लिए टीम के साथ पहुंच गए। विधायक सेन ने कहा कि होटल का संचालन कमर्शियल क्षेत्र में होना चाहिए लेकिन यहां रिहायशी इलाके में जिस पर फिरोशी का धंधा चल रहा है। इस पूरी कार्रवाई में निगम आयुक्त ने दो होटल को तत्काल सील कर दिया और दूसरे होटल के दस्तावेज जांच के लिए ले गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।